Now you are safe, your family. Now see, and KB Agrawal High School. Then you subscribe our channel. I am teaching Standard 12 Account. Last lecture में हमने partnership के definition और partnership की जो partner की definition थी वो और उसके characterize हमने पढ़े थे. अभी हम आगे बढ़ रहे हैं. अभी आपको देखना है पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो होता है रिटन और होता है ओरल. पर रिटन होता है स्पेसिफिक, यानी वो अच्छा रहता है और डिजायरेबल रहता है. अभी उसके डेफिनेशंस देखो. और रिटन पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप डीड रिटन होगा तो हमें फायदा क्या मिलेगा? पार्टनरशिप डीड इज डिजायरेबल. हर एक पार्टनर रिटन कॉन्ट्रैक्ट चाहता है. क्यों? डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल. एडवाइस भी उसकी रहती है. सो दैट कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम कैसे, तो फ्यूचर में पार्टनर की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, तो इन फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हो तो कैन बी ऑब्टेन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल पार्टनरशिप डीड. यानी पार्टनरशिप डीड से हम कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जो लिखते हैं, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसका क्या निकल पाता है? सॉल्यूशन. बात समझ में आई? वापस से रिपीट करवाती हूँ. पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनर का एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लिखा होता है कि पार्टनर ने, हर एक पार्टनर ने, ईच पार्टनर ने कितनी कैपिटल लाई है, कितनी उसकी ड्रॉइंग है, कितना उसका इंटरेस्ट है, हर एक पार्टनर की कितनी सैलरी है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, वो पार्टनरशिप में बताया जाता है. तो इससे फायदा क्या मिलता है? फ्यूचर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, तो उसका सॉल्यूशन निकल पाता है. बट बैठी, अभी हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक, प्रोविजनल ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है? तो 1932 वन मार्क्स क्वेश्चन आंसर में, एमसीक्यू में वो आ सकता है. नाउ द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, या आपने पार्टनरशिप डीड ना बनाया. पार्टनरशिप डीड यानी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर का कॉन्ट्रैक्ट, वो आपने ना बनाया हो तो हमें कंपलसरी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसको सॉल्व करना है. और याद रखना, ये आपके चैप्टर नंबर 2 में और चैप्टर नंबर 1 में सम्स आते हैं, तो उसके लिए ये पॉइंट्स मोस्ट आईएमपी और आपके नॉलेज के लिए भी मोस्ट आईएमपी. अभी ध्यान देना, एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, आपने पार्टनरशिप डीड रिटर्न ना किया हो तो देखो, उसमें कैन नॉट बी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग. आपने पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में लिखा हो कि आपने नहीं बनाया है, तो आप कोई भी टाइप का इंटरेस्ट नहीं दे पाते, ना ड्रॉइंग का ना कैपिटल का. कैन नॉट बी पेड सैलरी टू पार्टनर. आपने पार्टनरशिप डीड में रूल्स ना लिखा हो तो आप कोई भी टाइप की सैलरी कोई भी पार्टनर को दे नहीं सकते. थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल रेशियो. मीन्स पार्टनरशिप डीड में कोई भी रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस का ना बताया हो तो कंपलसरी आपको कौन से में जाना है? इक्वल रेशियो. ओके, ये याद रखना, समय हर एक टाइम होगा. कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो बताया ना जाए तो आपको कैसे देना है? इक्वल. नेक्स्ट वन, 6% इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर लोन गिवन बाय एनी पार्टनर. इसमें क्या है, फर्म ने पार्टनर से कोई लोन ली होती है, तब उसका इंटरेस्ट पक्का पता ना हो या आपको क्वेश्चन में बताया ना जाए
तो आपको 6% इंटरेस्ट देना है। याद रखना, हमें पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं लेना है, वो पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, यानी फर्म की क्या हुई, लायबिलिटी हुई। इसलिए फर्म कितने परसेंटेज इंटरेस्ट देगी, 6%। ये भी एमसीक्यू में बार बार आएगा, 6% इंटरेस्ट फर्म किसको देती है, पार्टनर को। ओके, नेक्स्ट, देयर आर टू मेथड। आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है ये चैप्टर में। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बेस है चैप्टर नंबर टू का, और चैप्टर नंबर टू का सम आएगा आपके 11 मार्क्स का, 11 मार्क्स का सम आएगा, जहां पे आपने 11th स्टैंडर्ड में 3 अकाउंट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट आपने पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है, और बैलेंस शीट में। पर इस साल 12th स्टैंडर्ड में आपके 2 अकाउंट और बढ़ गए हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोशिएशन अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल में देखने जाओ तो कितनी मेथड है, 2 मेथड है। फर्स्ट है फ्लक्टिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्टिंग कैपिटल अकाउंट में ओनली 1 अकाउंट बनता है। अभी फ्लक्टिंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट है क्या, फ्लक्टिंग कैपिटल अकाउंट यानी कोई भी पार्टनर की ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यानी साल की शुरुआत में वो ओपनिंग बैलेंस की जाती है, और क्लोजिंग बैलेंस यानी साल की आखिर में कितने बैलेंस हो। तो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों में डिफरेंस हो तो वो मेथड को हम कौन सी बोलेंगे, फ्लक्टिंग कैपिटल मेथड, जिसमें वो कैपिटल अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी एक्सेट्रा हम उसमें लिखेंगे। इसकी वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस कैसी होती है, डिफरेंट। सेकंड मेथड इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मींस आपके नेम के हिसाब से कैपिटल कैसी होती है, तो फिक्स होती है, यानी कि उसकी ओपनिंग बैलेंस और उसकी क्लोजिंग बैलेंस दोनों कैसी होगी, इक्वल। और इसमें इसमें आपके कितने अकाउंट बनेंगे, 2, जैसे कि एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में क्या डालेंगे, हर एक पार्टनर की कैपिटल, ओके। और करंट अकाउंट यानी एक टाइप का टेम्पररी, पूरे साल होल इयर्स में जो भी पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी, वो सब हम कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट में। पता चला, वापस से रिवाइज करवा दूं, फ्लक्टिंग अकाउंट में ओनली 1 अकाउंट बनेगा, पार्टनर के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा, कोई भी इनकम होगी, वो हम ओनली 1 अकाउंट में डालेंगे। और सेकेंड है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसमें कितने अकाउंट है, 2, कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट में ओनली क्या डालेंगे, कैपिटल रिलेटेड, एंड करंट अकाउंट में उसके अदर एक्सपेंस, अदर इनकम, जैसे कि उसकी सैलरी, उसके ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेट्रा। अभी नेक्स्ट वीडियो पर हम अपने सम स्टार्ट करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, तो आपको कोई भी चैप्टर्स के रिलेटेड कोई भी डिटेल्स हो तो आपको मिल जाती है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।